मेरे चैनल होममेड बाय होममेकर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी चाट पास्ता। इसके लिए हमें सामग्री की जरूरत है 2 कप मैदा, 1 कप उबली हुई मसूर, आधी कप उबली हुई मूंग, आधा कप उबला हुआ चना, 1 कप फेटी हुई दही और हेल्थ गार्ड रिफाइंड आयल, 2 आलू जो कि उबाल के हमने उसे महीन काट लिया है, 1 प्याज महीन कटी हुई, 1 टमाटर महीन कटा हुआ और आलू भुजिया हुआ या इसकी जगह सेव की भुजिया हुआ और सजाने के लिए धनिया की पत्ती, 1 चम्मच लाल कुटा मिर्च पाउडर, 1 चम्मच सादा नमक, 1 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच भुजा हुआ पिसा जीरा, इमली की चटनी और धनिया की चटनी। अब हम बास्केट की फिलिंग स्टफ की तैयारी कर लेते हैं, जिसके लिए हमने चना ले लिया, मसूर ले लिया, मूंग ले लिया, हमने आलू डाल दिया, प्याज डाल दिया, टमाटर, 1 चम्मच दही, 1 जीरा, काली मिर्च, काला नमक, लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच इमली की चटनी, 2 चम्मच धनिया की चटनी, थोड़ा धनिया। अब हम इन सब चीज़ों को खूब अच्छे से मिक्स कर देंगे। वैसे तो हम इसे एक एक करके भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर इसको हम एक साथ मिक्स कर लेते हैं तो इससे हमारा स्वाद जो है एकदम उभर के आ जाता है और भरने में भी आसानी हो जाती है। अब हम डो की तैयारी कर लेते हैं। ये हमने मैदा ले लिया, इसमें हमने स्वाद अनुसार नमक मिला लिया और अच्छे मोन के लिए 4 चम्मच तेल ले लेंगे। इसको खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारा डो एकदम मिक्स हो गया है। अब ये इस तरह होने लगे तो समझिए एकदम सही है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी करके इसको गूंथ लेंगे। देखिए ये हमारा आटा गूंथ गया है। इसको हम अच्छे से गूंथ के इसको आधे घंटे के लिए फूलने के लिए रख देंगे, प्लेट से ढक के रख देंगे। देखिए आधा घंटा हो गया है। अब हम अपना डो चेक कर लेंगे। ये देखिए ये एकदम फूल के सही हो गया है। अब हम इसको हल्का सा मरद के इसकी लोइया बना देंगे। इसको हम अच्छे से मरद के बराबर बराबर हिस्सों में लोई बना देंगे। ये देखिए हमारे 5 हिस्से हुए हैं। अब हमारी 5 बास्केट बनी है। इसे खूब अच्छी तरह से करके पेड़ जैसा बना लें। अब हम इन लोइयों की रोटी बना लेंगे। मैदा बेलने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन फिर भी आराम से बेल के रोटी जैसे आकार में बन जाता है। अच्छे से बेल के इसकी हम रोटी बना लेंगे। जितनी बड़ी आपके पास कटोरी हो उसी हिसाब से रोटी बनाएं। जैसे देखिए हमने ये इतनी बड़ी कटोरी ली है, इस हिसाब से हमने अपना रोटी बनाया हुआ है। अब हमारी रोटी बनके एकदम तैयार हो गई है। अब हम इसे कांटे की मदद से इस तरह से छेद कर देंगे। अब हम अपनी कटोरी में इस तरह से आयल लगा लेंगे ताकि हमारी बास्केट आराम से निकल जाए। अब ये इसको उठा के हम ये इस तरह से
महसूस करते हुए धीरे धीरे इसमें ऐसे लगा देंगे। खूब अच्छे से लगाएंगे ताकि ये अच्छे से निकल जाए। ये देखिए, इस तरह से लगाने के बाद फिर हम फोक से इस तरह कर देंगे ताकि ये कटोरी में फूले ना। देखिए, हमारी बास्केट बनके तलने के लिए तैयार। देखिए, हमारी सब बास्केट इस तरह बन गई है। अब हम इसको तलने के लिए अपना आयल गरम किए हैं। हम गरम होने आयल में ये इस तरह हम अपनी कटोरी डाल देंगे। एक बार में एक या दो से ज़्यादा ना डालें क्योंकि कटोरियाँ चपकने का डर है। अब हम इसको मीडियम आंच पे इस तरह करके चारों तरफ से पका देंगे। इसके हम चारों तरफ से डालते रहेंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए और हमारी बास्केट कटोरी को छोड़ दे। अब देखिए, हमारी बास्केट कटोरी को छोड़ रही है, इसलिए हम इसको ऐसे निकाल देंगे। कटोरी गर्म है इसलिए ध्यान से निकालें, हाथ ना लगाएं। अब हम अपने बास्केट में इस तरह आयल डाल देंगे ताकि बाहर के साथ साथ ये अंदर से भी पक के क्रिस्पी हो जाए। देखिए, ये अंदर बाहर से अच्छे से पक गई है। अब हम इसको निकालेंगे। इसे हम उल्टा ही निकालेंगे, नहीं तो अंदर आयल रह जाता है। ये देखिए, ये एकदम से अंदर बाहर से क्रिस्पी हो गई है। बास्केट बन के रेडी हो गई है। अब हम इसकी फिलिंग, जो फिलिंग हमने बना के रखी थी वो हम इसमें रख देंगे। फिर हम इसमें दही डालेंगे। दही के बाद अब हम इस पे इमली की चटनी डालेंगे। अब हम इस पे अपनी भुजिया या सेव हो, जो भी आपके पास हो उसको डालेंगे। फिर हम धनिया डालेंगे। अब देखिए, हमारा चाट बास्केट बनके तैयार हो गया है। देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, खाने में भी ये बहुत स्वादिष्ट होता है। आपको इसमें कोई कम चीज ज़्यादा लगे तो आप अपने इच्छा से इसको सजा सकते हैं। देखिए, हमारा देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। इसको आप अपने घर में बनाइए और खाइए। ये हमारा चाट बास्केट बन के तैयार हो गया है। आप अपने घरों में इसको ट्राई कीजिए और हमारे पूरा वीडियो देखिए और उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।